बच्चों के ऊपर आने वाली है, उन माँ बाप को क्या होगा? भाई देश नहीं चला सकते तो रिजाइन दे दो ना, ईश्वर ना करे कभी मेरी माँ को, परमेश्वर ना करे कभी कुछ हो, कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों का? मैम मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाए अभी तक? देश की जनता मर रही है, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, यहाँ पे लोग मन की बातें तन की बातें कर रहे हैं, बाबू सोना चोना, हाँ पता नहीं, वेरी बैड यार। ये देश की जनता के लिए रियली एक सबक है ये, इसलिए सोच समझ के वोट देना चाहिए। जब पता है कि हमारे देश में इतनी करोड़ों जनता है, तो पहले से ये सारी डेढ़ दो साल से नहीं है क्या करोना, तो वैक्सीन की सुविधा होनी चाहिए ना पहले से, पहले से वैक्सीन चलो लेट बना तो ऑक्सीजन की तो होनी चाहिए ना, ऑक्सीजन बेड, ये यहाँ मन की तन की पता नहीं कौन से बात कर रहे हैं, पांडे बाबू की बात कर रहे हैं, मन तन की बात कर रहे हैं। मैं अभी लर्न की बात करना चाहती हूँ कि लर्न करो, अभी से सबक सीखो, अभी सीखो, वेरी बैड। लोग कैसे कैसे एक एक साथ में कैसे लोग चलाए जा रहे हैं, देखा नहीं जा रहा है? अरे भाई ऐसे दिखा रहे ऐसे मंत्री हो पे भाई, देश की जनता ने विश्वास किया, खुद तो अमेरिका प्राइवेट फ्लाइट में जाके, खुद तो अमेरिका अमेरिका इधर जा जाके ओरिजिनल वैक्सीन लगा के आ गए, यू नो धिक्कार है ऐसे मंत्रियों पे भाई, जो देश की जनता पर ध्यान नहीं दे रहे भाई, देश आज बर्बाद हो गया। बताओ मैं अकेली कितना आवाज उठा सकती हूँ, वेरी बैड। लोग यहाँ पे कितना मर रहे हैं, अभी एक यूट्यूबर जो थे राहुल वोरा, राहुल वोरा वो इस संभावना के डैडी, कितने आर्टिस्ट यू नो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, ईश्वर ना करे कभी मेरी माँ को, परमेश्वर ना करे कभी कुछ हो, किसी के भी माँ बाप को कुछ ना हो, यू नो कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों का? देश चलाते हो तुम लोग, भाई देश नहीं चला सकते तो रिजाइन दे दो ना। मैं आज बहुत ज्यादा भड़की हूँ, पावर है आप लोगों के हाथ में, ऑक्सीजन तो कहीं से भी किसी भी देश से मंगा सकते हो। मैं तो कहती हूँ सलमान खान और सोनू सूद को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि असली हीरो तो वो ही है सोनू सूद। सबसे ज्यादा कितना लव करते अपनी कंट्री से, अपने लोगों से, सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये लोग देखो कितना प्यार करते अपने देश की जनता से। हाँ जी ये क्या कर रहे हैं मंत्री, क्या कर रहे हैं लो, ये सारे मंत्री कर क्या रहे हैं, कहाँ? अभी नीना गुप्ता जी का वीडियो मैंने देखा, ऑक्सीजन के पैसे भी चोरी हो रहे हैं, क्या है भाई? मंत्री लोगों को सिर्फ ये मेरे मैसेज सारे मंत्रियों को है, क्या देश की जनता जो इस कदर मौत में मरी है, जिनका हम क्या थे अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते, क्या वो माफ करेंगे? क्या ईश्वर आपको माफ करेंगे? आपको क्या लगता है आप सात पुश्त के लिए सारे पैसे भर के रखे हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को वो कमाई खिला पाएंगे? क्या हमारे लोग जो देश की गरीब जनता, जो गरीब हो या अमीर हो, किसी को भी ऑक्सीजन वैक्सीन नहीं मिल रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि इनकी आत्मा नहीं भटकेगी, इनकी आत्मा नहीं भटकेगी? क्या आपको ये आपको लर्न करना चाहिए, देश की जनता को लर्न करना चाहिए, ये सारी चीजें सीखना चाहिए, सोच समझ के वोट दो, एक लहर में मत घुसो। वेरी बैड, आज मेरा दिल रो रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती सलमान खान जैसे महान मसीहा, सोनू सूद जैसे महान मसीहा, इन लोगों को चुनो परमेश्वर, देश की राजगद्दी इन लोगों के हाथ में दो, ना कि पाखंडियों के हाथ में। दोस्तों मुझे जो कहना था मैंने किया, कहा है, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे देश की जनता ऐसे कीड़े मकोड़ों के जैसा मर रही है। ये दिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन, ये तो अभी दूसरी लहर है, तीसरे लहर के लिए आप लोग रेडी है? क्या हमारे देश के मंत्री तीसरी लहर के लिए रेडी है? बच्चों के ऊपर आने वाली है, उन माँ बाप को क्या होगा? Oh my God.
वैक्सीन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था उसके पास, ये गलत बात है। जब आप वोट लेते हो, पता है आप नोट खर्च करते हो तभी वोट मिलता है, और जिसकी जनता को भी समझ में आ जाना चाहिए ऐसे नहीं वोट करना चाहिए इन लोगों को। सही सही मंत्री जो हो, देश के लिए जो प्राण दे, जो देश की जनता के लिए प्राण दे, उनको वोट करो। हाँ बाबू, बेबी रोना तो आएगा ना, बच्चे अभी छोटे छोटे बच्चे, भगवान का रूप होते तो छोटे छोटे बच्चे।